नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया पर। मैं हूं आपके साथ मनीषा शर्मा। चलिए रुक करते हैं खबरों की तरफ। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे यानी तेज प्रताप यादव के हनुमान और चहेते आकाश यादव आज एलजेपी में शामिल होने वाले हैं। इसको लेकर दिल्ली एलजेपी कार्यालय में बड़ी शाम 4 बजे कार्यक्रम रखा गया है। दिल्ली के 18 राजेंद्र प्रसाद मार्ग में होने वाले कार्यक्रम को केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस संबोधित करने वाले हैं। इसकी जानकारी एलजेपी के मुख्य प्रवक्ता श्रवण कुमार अग्रवाल ने दे दी है। वहीं दूसरी तरफ अब इस खबर के बाद आरजेडी में खलबली मचनी शुरू हो गई है। श्रवण कुमार अग्रवाल ने कहा कि आकाश यादव के अलावा आरजेडी के कई अन्य नेता भी एलजेपी का दामन थामेंगे। वहीं सूत्रों के मुताबिक ये भी सामने आ रही है बात कि आकाश खुलासा करेंगे कि किस तरह चुनाव में चिराग पासवान ने आरजेडी की मदद की थी। इस कार्यक्रम में खुद वह बताने वाले हैं। तो एलजेपी में शामिल होंगे हनुमान, तो आरजेडी के कई नेता एलजेपी का दामन थामने वाले हैं। और इस खबर के बाद कई नेताओं में, कई दलों में भी खलबली मच गई है। आरजेडी, खासकर आरजेडी की बात करें तो आरजेडी के नेताओं में इस वक्त खलबली मची हुई है, जब से खबर सामने आई है कि एलजेपी में कई जो आरजेडी के नेता हैं वो उनका हाथ थामने वाले हैं, उस पार्टी में शामिल होने वाले हैं। तो आरजेडी के कई नेता आज एलजेपी का दामन थामने वाले हैं। शाम 4 बजे कार्यक्रम भी रखा गया है जिसमें वो एलजेपी का दामन थामने वाले हैं। आरजेडी के कई नेता एलजेपी की तरफ, एलजेपी की पार्टी में अपना दामन थामने वाले हैं उनका। तो इस खबर के बाद खलबली मची हुई है आरजेडी के पूरे खेमे में। और कोरोना के मामलों में कमी को देखते हुए मेघालय सरकार ने एक बार फिर से पर्यटकों के लिए राज्य खोलने की तैयारी कर ली है। राज्य सरकार ने गुरुवार को ऐलान किया है कि 1 सितंबर से पर्यटकों को यहां आने की अनुमति होगी। साथ ही साथ यहां 9वीं से 12वीं क्लास तक के बच्चों के लिए स्कूल भी 1 सितंबर से खोल दिए जाएंगे। बता दें कि अप्रैल और मई में कोरोना की दूसरी लहर के बाद पिछले 4 महीने से यहाँ पर्यटकों के आने पर प्रतिबंध लगा हुआ था। मेघालय कैबिनेट ने राज्य में कोरोना के मामलों में गिरावट को ध्यान में रखते हुए यह बड़ा फैसला लिया है। तो मुख्यमंत्री कोनराड संगमा ने यह भी कहा कि 1 सितंबर से सभी पर्यटकों को यहां आने की अनुमति होगी। यहां आने वाले पर्यटकों के लिए कोविड वैक्सीन की दोनों डोज लगी होनी अनिवार्य होगी। इसके अलावा जिन पर्यटकों को वैक्सीन की एक भी डोज नहीं लगी होगी उन्हें 72 घंटों के अंदर ही RT-PCR रिपोर्ट अपने साथ लानी होगी। तो 1 सितंबर से पर्यटकों के लिए फिर से मेघालय खुलने वाला है। 9वीं से 12वीं क्लास तक के बच्चों के लिए 1 सितंबर से स्कूल भी खोले जाने की तैयारियां की जा रही हैं। और देहरादून में पिछले 48 घंटों से हो रही लगातार भारी बारिश के बाद तबाही का मंजर अब सामने आ रहा है। भारी बारिश के कारण रानी पोखरी के नजदीक देहरादून ऋषिकेश ब्रिज टूट गया, जिसके बाद कई वाहन क्षतिग्रस्त बताए जा रहे हैं। वहीं लगातार हो रही भारी बारिश से मालदेवता सहस्त्रधारा लिंक रोड कई मीटर नदी में समा गया है। ये घटना खेरी गांव की है। यहां भारी बारिश के वजह से और भारी बारिश के कारण ही सड़क में कटाव हो गया और पूरा रास्ता पानी पानी हो गया है। यहां 2 गाड़ियों के भी बहने की सूचना है। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है तभी से, और मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। उत्तराखंड में 5 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी यानी अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में नैनीताल, चंपावत, उधम सिंह नगर, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिले शामिल हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि देहरादून, टिहरी, पौड़ी जिलों में कुछ हिस्सों में भी भारी बारिश की चेतावनी को देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड में पहले ही मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट जारी किया था। विभाग ने कई जिलों में रेड अलर्ट जारी किया था। इससे पहले बुधवार को भी उत्तराखंड में शहर की बाहरी सीमा पर स्थित खाबडाला गांव में सातला देवी मंदिर के पास बादल फटने से नदियों और धाराओं में बाढ़ आ गई थी। तो देहरादून ऋषिकेश ब्रिज टूटने के बाद येलो और रेड अलर्ट आसपास के इलाकों में जारी किया है, जिसके बाद अब रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। और सीएम भूपेश बघेल और स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव की कांग्रेस नेता राहुल गांधी से मुलाकात के बाद भी छत्तीसगढ़ कांग्रेस का झगड़ा थमने का नाम नहीं ले रहा है। ये उम्मीद जताई जा रही है कि राहुल गांधी के साथ सीएम भूपेश बघेल और स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव की मुलाकात के बाद छत्तीसगढ़ का झगड़ा खत्म हो जाएगा। हालांकि पिछले 2 दिन से जो गहमा गहमी रायपुर से लेकर दिल्ली में दिखाई दे रही है उसे देखकर तो यही लगता है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के अंदर लड़ाई अब निर्णायक
निर्णायक मोड़ तक पहुंच चुकी है। कांग्रेस आलाकमान ने सीएम बघेल और मंत्री सिंहदेव की बातचीत के बाद पिछले दो दिन के अंदर करीब 35 विधायक और 3 मंत्री दिल्ली पहुंच चुके हैं। आज करीब 15 से 20 विधायक और दिल्ली पहुंच सकते हैं। विधायकों के दिल्ली पहुंचने के बाद एक बार फिर से सवाल खड़ा हो गया है कि क्या वाकई में छत्तीसगढ़ में विधायकों ने अब बगावती तेवर अपना लिया है। तो विधायकों ने बगावती तेवर दिखाते हुए कांग्रेस के 35 विधायक अब दिल्ली पहुंच चुके हैं और यह सवाल खड़ा होता है कि अब बगावती तेवर दिखा दिया है विधायकों ने तो कांग्रेस के 35 विधायक दिल्ली पहुंच चुके हैं। और वही दूसरी तरफ भारत में कोरोना संकट एक बार फिर से बढ़ने लगा है। लगातार दूसरे दिन 40,000 से भी ज्यादा कोरोना के मामले सामने आए हैं। शुक्रवार सुबह स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से ताजा आंकड़ा जारी किया गया है। मंत्रालय के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 44,658 नए मामले सामने आए हैं और साथ ही 496 कोरोना संक्रमितों की मौत बताई जा रही है। इससे पहले आपको बता दें कि 46,164 कोरोना के मामले थे, वहीं 24 घंटे में 32,988 लोग कोरोना से रिकवर भी हुए हैं, यानी कि कल 11,174 एक्टिव केस बढ़ गए। देश भर में कोरोना मामले बढ़ने का मुख्य कारण केरल है। बीते दिन केरल में सबसे ज्यादा यानी 30,007 नए मामले सामने आने के साथ ही कोरोना वायरस संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर प्रदेश में 39.13 लाख हो गई है, जबकि 162 मरीजों की मौत के बाद मृतकों का जो आंकड़ा है वो 20,134 तक पहुंच गया है। प्रदेश में लगातार दूसरे दिन संक्रमण के नए मामलों की संख्या 30,000 से ज्यादा रही है। कोरोना महामारी की शुरुआत से लेकर अब तक कुल 3,26,03,000 लोग संक्रमित पाए गए हैं। इनमें से 4,36,861 लोगों की मौत बताई जा रही है, लेकिन हालांकि अच्छी खबर यह है कि अब तक 3,18,21,000 लोग रिकवर भी हुए हैं। और गाजियाबाद से खबर, जहां पर C-17 एयरक्राफ्ट से 24 भारतीय समेत 11 नेपाली वर्ग के लोगों को गाजियाबाद हिंडन एयरबेस लाया गया, जिसके बाद उनका COVID-19 टेस्ट और कागज वेरीफाई करने के बाद इंडियन एयरफोर्स की बस की तरफ उन्हें हिंडन एयरफोर्स के गेट तक पहुंचाया गया। मीडिया से बातचीत करते हुए काबुल से C-17 के जरिए हिंडन एयरबेस पर पहुंचे लोग और लोगों ने भारत सरकार का धन्यवाद किया, साथ ही साथ इंडियन आर्मी जिंदाबाद के नारे भी लगाए हैं। तो ये तस्वीर जहां पर लोगों ने इंडियन आर्मी जिंदाबाद के नारे लगाए हैं। तो काबुल से सीधा भारतीयों को लेकर आया गया है, जहां पर लोगों ने इस दौरान इंडियन आर्मी जिंदाबाद के नारे भी लगाए हैं। तो गाजियाबाद के इंडियन एयरबेस पे इन लोगों को लाया गया, जहां पर उन्होंने मीडिया से बात करते हुए भारतीय सरकार का धन्यवाद किया और साथ ही साथ यहां पर इंडियन आर्मी जिंदाबाद के नारे भी लोगों के द्वारा लगाए गए हैं। तो C-17 एयरक्राफ्ट से 24 भारतीय समेत 11 नेपाली वर्ग के लोगों को गाजियाबाद हिंडन एयरबेस लाया गया है। और गाजियाबाद से हमारे संवाददाता जितेंद्र भाटी ज्यादा जानकारी के साथ, ज्यादा अपडेट के साथ इसी खबर पर जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। जितेंद्र, आपसे जानकारी चाहूंगी कि ताजा अपडेट क्या है, लोगों को ले आया गया है इंडियन एयरबेस पर। देखिए, ये खुशी की खबर है, ये राहत की खबर है, ये इन शब्दों की खबर है जिन शब्दों को बयां नहीं किया जा सकता। तकरीबन 650 लोगों को काबुल से हिंडन एयरबेस एयरलिफ्ट किया गया है, C-17 एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल किया गया है। ये तस्वीरें बेहद खुशी की तस्वीरें हैं। 24 भारतीय समेत 11 नेपाल वर्ग के लोगों को लाया गया है, C-17 के जरिए लाया गया है। अभी फिलहाल इन्हें हिंडन एयरफोर्स के गेट पर छोड़ा गया है, जहां से ये अपने गंतव्य के लिए रवाना होंगे। ITBP की गाड़ी के द्वारा इन्हें हिंडन एयरबेस के गेट पर छोड़ा गया है। हालांकि इनसे बात करते हुए इन्होंने साफ कर दिया कि हम बेहद खुश हैं, हम हिंदुस्तान की सेना का तहे दिल से शुक्रिया अदा कर रहे हैं। जो भारतीय सरकार है वो लगातार अपने देश के लोगों को वापस अपने देश में लौटा रही है, ऐसे में कहा जाए कि सरकार अपने लोगों के लिए काफी एक्टिव मोड में नजर आ रही है। देखिए, हालात तो काबुल एयरपोर्ट के काफी खराब हो चुके हैं, जिस तरीके से लगातार तालिबानी अपना घेराव को, अपने व्याधि को बढ़ा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो भारत सरकार है वो भी चाहती है
कि जल्द से जल्द भारतीयों को काबुल अफगानिस्तान से भारत के लिए जल्द से जल्द सुरक्षित हालात में ले आया जाए। अब ऐसे में एयरफोर्स ने जिम्मा संभाला है और एयरफोर्स का जो बड़ा वाहन जहाज है, यूं कहें कि एयरक्राफ्ट जिस तरीके से बड़े ऐसी आपातकालीन स्थिति में काम आता है, उसी एयरक्राफ्ट यानी कि C-17 की हम बात कर रहे हैं, अब तक लगभग 650 लोगों को एयरक्राफ्ट के जरिए C-17 के जरिए इंडियन एयरबेस पर लाया गया है। न सिर्फ उसमें भारतीय है जितेंद्र, जिन लोगों को काबुल से लेकर आया गया है यहाँ पर, उन लोगों की कागजी कार्रवाई पूरी हो चुकी है। अब ये क्या सवाल है, ये सवाल उठ रहा है कि अब इन लोगों को कहाँ पर ठहराए जाने के प्रतिबंध किए गए हैं, बंदोबस्त किए गए हैं? देखिए, फिलहाल इन लोगों को इनको इनको इनके जो रिलेटिव ऑलरेडी रह रहे हैं, यानी कि कुछ अफगानिस्तान के लोग दिल्ली में रह रहे हैं, उनके पास रहेंगे। फिलहाल उनके वीजा का क्या होगा ये आने वाले समय में बताया जाएगा। नेपाल वर्ग के जो लोग थे जिनको अफगानिस्तान यानी एयरलिफ्ट किया गया है, वो नेपाल के लिए रवाना हो गए। हालांकि उनके कागजात वेरीफाई किए गए हैं, बल्कि इतना ही नहीं, कोविड उनका टेस्ट भी हुआ है, RT-PCR का टेस्ट भी किया गया था इंडियन एयरबेस पर, और उसके बाद उनको अपने गंतव्य के लिए उन लोगों को रवाना कर दिया गया था। लेकिन जिस तरीके से भारत सरकार काम कर रही है वो वाकई काबिले तारीफ है। काबिले तारीफ एयरफोर्स का वो दस्ता भी है जो लगातार भारतीयों को काबुल से सीधा इंडियन एयरबेस के लिए ला रहा है। C-17 लगातार 650 लोगों को अब तक ला चुका है और आगे भी ये कार्रवाई जारी रहने वाली है। जी बिल्कुल जितेंद्र, लगातार हमने इससे पहले भी देखा कि C-17 एयरक्राफ्ट के जरिए किस तरीके से काबुल से अफगानिस्तान से भारतीय लोगों को उनके वतन वापस लौटाया जा रहा है। अब ऐसे में क्या देखा जाए, आप वहां पर मौजूद रहे होंगे या फिर कोई इस बारे में जानकारी कि जब वहां पर लोग पहुंचे तो लोगों के मन में क्या रहा, उनके आसपास कैसा माहौल रहा, क्योंकि अपनी वतन वापसी के बाद तो हर एक नागरिक खुशी के मारे झूम उठा होगा। बिल्कुल, उसका कहना बिल्कुल ठीक है। जो लोग काबुल अफगानिस्तान से इंडियन एयरबेस आए हैं, उनके रिलेटिव, उनके परिजन, उनकी माताएं, बहनें सभी इंडियन एयरबेस के गेट पर पहुंचे हुए थे और उन्होंने साफ कर दिया था कि हम भारत सरकार का तहे दिल से शुक्रिया अदा कर रहे हैं, क्योंकि उनकी फैमिली, एक जो शख्स होता है विदेश में कमाने के लिए जाता है, उसका पूरा परिवार अगर हिंदुस्तान में पल रहा है तो साथ में पल रहा है कि वहां से एक टैक्स रकम आएगी जिनसे वो अपना वहन करेंगे। लेकिन बावजूद इसके हालात वहां पर बिगड़े, जिस तरीके से हालात बिगड़े, हिंदुस्तान ने भी ये पूरा तरीके से तय कर लिया कि कोई भी भारतीय काबुल अफगानिस्तान में बचने ना पाए, उनको सुरक्षित यहाँ पर लाया जाए। और वो अगर वहां पर रहता है तो जाहिर तौर पर जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उन्होंने साफ कर दिया है कि अगर एक भी भारतीय वहां रहता है तो ये जिम्मा है भारतीय सेना का, एयरफोर्स का, और C-17 जिस तरीके से लगातार काबुल पे जा रहा है और एक एक भारतीय को लाने का जिम्मा उठाया है, वो वाकई काबिले तारीफ है। अगर फैमिली की बात की जाए तो फैमिली से हमने बात की थी और उनका साफ तौर पर कहना था कि हम बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा कर रहे हैं भारत सरकार का, जिन्होंने हमारे बच्चों को, हमारे पिता को वापस सुरक्षित लाए हैं। जी बिल्कुल जितेंद्र, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम अपडेट और जानकारी के लिए। तो इंडियन एयरबेस लोगों को ले आया गया है और यहाँ पर उन्होंने इंडियन आर्मी जिंदाबाद के नारे भी लगाए हैं। निश्चित तौर पर जाहिर सी बात है कि जब वतन वापसी हुई है तो लोगों में एक संतुष्टि है, एक निश्चित तौर पर अपने परिवार वालों से मिलने की वो खुशी भी है, जो यहाँ पर लोगों ने मीडिया के थ्रू बात करते हुए अपनी खुशी भी जाहिर की और भारतीय सरकार का तहे दिल से शुक्रिया अदा भी किया। और अब खबर बिजनौर से है, जहां एक युवक ने अपनी पत्नी की गोली मारकर हत्या की वारदात को अंजाम दिया है। हत्या की वजह पारिवारिक विवाद और कलह बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी पति को अवैध हथियार के साथ गिरफ्तार कर लिया है, साथ ही साथ शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भी भेज दिया है। तो वहीं जानकारी मिलते ही SP डॉक्टर धर्मवीर सिंह भी घटना स्थल पर पहुंचे। बता दें कि गोपालपुर इलाके की रहने वाली लक्ष्मी की पति ने साथ में विवाद हुआ था और फिर उसके बाद मौत के घाट उतार दिया गया। विवाद के बाद आरोपी पति ने अवैध हथियार से हमला किया था, जिसके बाद मौके पर ही उस महिला की मौत हो गई। फिलहाल पुलिस के अफसरों ने आरोपी पति ने अपना जुर्म कबूलते हुए ये बताया है कि पारिवारिक कलह की वजह से हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया था। तो पारिवारिक विवाद में पति ने अपनी ही पत्नी की हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी पति को अवैध हथियारों के साथ गिरफ्तार भी कर लिया है। हालांकि पति ने अपना जुर्म कबूलते हुए यह भी बताया है कि पारिवारिक कलह की वजह से पति ने इस वारदात को अंजाम दिया।
थाना नूरपुर के गोपालपुर गांव में सचिन नाम का एक व्यक्ति जो करीब 30-32 साल का था अपनी पत्नी लक्ष्मी को रात में गोली मार करके हत्या कर दिया। हत्या का कारण पारिवारिक विवाद, क्लेश, गृह कलह था। जैसे उसके 3 बच्चे ही थे, 8 साल शादी को हो गया था, इसकी ससुराल रेहर में थी। इसके घर में इनकी पत्नी के साथ में इसका एक छोटा भाई भी है, इसकी माँ भी है। पंचायत रामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है, हत्या का अभियोग पंजीकृत कराया जा रहा है। आरोपी को मय तमंचे से गिरफ्तार कर लिया गया है। 315 बोर के तमंचे से फायर किया था, इसे तमंचा कहां से प्राप्त किया इसकी भी जांच पड़ताल की जा रही है। और वहीं अगली खबर इटावा से, जहां पर कानपुर से आगरा जा रही रोडवेज बस ने ट्रक को जोरदार टक्कर मारी, जिसमें 3 यात्रियों की मौके पर ही मौत हो गई, तो वहीं 30 लोग घायल बताए जा रहे हैं। पूरा मामला थाना बकेवर क्षेत्र के अंतर्गत नेशनल हाईवे का है। इधर सूचना मिलते ही मौके के बाद पुलिस पहुंची है, जहां पर सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है और मामले की जांच पड़ताल में पुलिस जो है वो जुट गई है। तो आपको खबर अब बता रहे हैं जहां पर इटावा से खबर है, जहां पर रोडवेज बस ने ट्रक को कर मारी है और इसी बीच 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि 30 लोग घायल बताए जा रहे हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इटावा से। तो सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने महान दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष केशव देव मौर्य को धन्यवाद देते हुए बताया कि उनके समाज के साथ बहुत अत्याचार हुआ है और बीजेपी सरकार में भी उनके समाज की आलोचना की गई है, लेकिन अब वो लोग सड़कों पर उतर आए हैं और आगामी चुनाव में महान दल के लोग समाजवादी पार्टी का समर्थन कर समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने में अपनी भूमिका निभाने वाले हैं। साथ ही साथ अखिलेश यादव ने यूपी सरकार के शहरों और जगहों के नाम बदलने को लेकर भी पत्रकारों से बातचीत की और कि मैं तो कहता हूं कि कोई लखनऊ ही मत जाओ, वरना सरकार आप लोगों के भी नाम बदल सकती है। साथ ही साथ केंद्र सरकार की उज्ज्वला योजना का भी मजाक बनाते हुए अखिलेश यादव ने ये उन पर सीधा निशाना साधा कि सरकार को इसका नाम बदलकर भुज्वला योजना नाम रख देना चाहिए, क्योंकि गरीब माताओं और बहनों को पहले फ्री में सिलेंडर देकर लूटा जा रहा है और अब गरीब महिलाओं और माताओं के घर में उज्ज्वला के चूल्हे ठंडे हो गए हैं। तो अखिलेश यादव ने सरकार पर निशाना साधते हुए ये सारी बात कही है और उन्होंने कहा है कि आप लोग भी, मैं तो आप लोगों को भी यही सलाह दूंगा कि आप लोग भी लखनऊ मत जाओ कि क्या पता सरकार आप लोगों का भी वहां पर पहुंचते ही नाम बदल दे। और वहीं यूपी में विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दल और पार्टियां अपनी तैयारियों में जुट गए हैं। गोंडा में समाजवादी पार्टी के युवजन सभा को प्रदेश उपाध्यक्ष और प्रवक्ता शैलेश कुमार यादव जिले में पहुंचे, जहां पर समाजवादी पार्टी के कार्यालय पर समाजवादी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने जोरदार माल्यार्पण कर उनका स्वागत किया है। साथ ही साथ कार्यक्रम में सपा जिलाध्यक्ष पप्पू यादव और युवजन सभा जिला अध्यक्ष सरफराज हुसैन मौजूद रहे। वहीं पार्टी कार्यालय पर आयोजित सपा नेता और कार्यकर्ताओं के साथ समीक्षा बैठक कर आगामी चुनाव की रणनीति तैयार की है। साथ ही साथ कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा गया कि समाजवादी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता आगामी चुनाव के लिए जुट जाएं और इससे आने वाले समय में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। वहीं कार्यकर्ताओं ने बैठक के बाद युवजन सभा को प्रदेश और उपाध्यक्ष और साथ ही प्रवक्ता शैलेश कुमार यादव ने बताया मीडिया से बात करते हुए कि पूर्व सीएम कल्याण सिंह की अंतिम यात्रा में अखिलेश यादव के ना जाने के सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने ये कहा कि सीएम योगी और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अपने मुख्यमंत्री से पहले ये सवाल करें कि अगर हिम्मत है। साथ ही साथ वही मुनव्वर राणा पर पुलिस प्रशासन कार्यवाही के नाम पर कर रहा है, पुलिस और जिला प्रशासन सरकार के दबाव में काम कर रही है, ये पुलिस की कार्रवाई है, इसमें हम कुछ नहीं कहना चाहते हैं, क्योंकि उनका आरोप है कि उन्होंने खुद पे अपना जो हमला हुआ है वो उन्होंने खुद कराया है। पुलिस से विवेचना आई है, अब विवेचना पुलिस ने की है, हम उस पर कोई मतलब कहना नहीं चाहते हैं उसके बारे में, हमें उसके बारे में कोई जानकारी भी नहीं है। लेकिन लगातार भाजपा के लोग पुलिस का और सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं, इसलिए कहीं ना कहीं हम लोगों पर एक लगता है कि शंका होती है कि कहीं ना कहीं उन लोगों पे और उनके समाज पे अत्याचार हो रहा है और पुलिस प्रशासन लगातार भाजपा के दबाव में है और ये दिख रहा है।
पंचायत चुनाव में, ब्लॉक चुनाव, ब्लॉक प्रमुखी के चुनाव में ये साबित कर दिया है भाजपा ने कि भाजपा के साथ पुलिस और प्रशासन है और उसके लिए काम कर रही है। खबर कानपुर से, जहां पर केंद्र सरकार ने केंद्रीय पुलिस बलों में विकलांगों का आरक्षण खत्म होने की गूंज कानपुर में भी अब सुनाई दे रही है। कानपुर बड़ा चौराहा स्थित राम आश्रय पार्क में आज विकलांगों ने इकट्ठा होकर ताली थाली बजाई और साथ ही काली पट्टियां बांधकर सरकार के फैसले का विरोध भी जताया है। तो विरोध कर रहे विकलांगों ने बताया कि सालों से केंद्र और राज्य सरकारें विकलांगों को आरक्षण देती आ रही हैं, जो कि जायज भी है, और देश में अगर आरक्षण का कोई सही हकदार है तो वो विकलांग ही हैं। विकलांगों ने साफ किया कि अगर सरकार ने आरक्षण वापस लेने का फैसला वापस नहीं लिया तो विकलांगों ने राज्य के केंद्र तक अपने मंत्रियों के आवास का घेराव किया जाएगा और साथ ही आने वाले समय में बड़े स्तर पर प्रदर्शन भी किया जाएगा। तो विकलांगों ने विरोध प्रदर्शन किया और आरक्षण वापस लेने के फैसले को वापस लेने की ही बात की है कि सरकार इस आरक्षण को वापस ना ले। आज ये जो थाली और ताली बजाकर काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन हो रहा है, भारत सरकार ने देश के विकलांग व्यक्तियों का रिजर्वेशन केंद्रीय पुलिस बलों में खत्म कर दिया है। देश के अंदर अगर रिजर्वेशन का कोई असली हकदार है तो देश का विकलांग व्यक्ति है, और उसका रिजर्वेशन अगर खत्म कर दिया है तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इस तरह की सरकार हमें नहीं चाहिए। योगी जी ताली और थाली बजवाते हैं, हमने ताली और थाली बजवा के उनके दिमाग को खोलने का काम किया है कि वो अभी भी होश में आ जाए। देश में 10% दिव्यांग व्यक्ति है जो अब मतदाता है देश के, और वो भी वोट देते हैं। जिस दिन वो एकजुट हो गए देश के विकलांग, उस दिन सरकार नहीं बना पाएगी भारतीय जनता पार्टी उसकी सरकार। आप दिव्यांग प्रकोष्ठ बनाते हैं और उसके बाद आप आरक्षण खत्म कर देते हैं, ये न्याय नहीं है। न्याय करिए। यूपी में 500 रुपया पेंशन देते हैं, दिल्ली में 5000 पेंशन मिलती है, जमीन आसमान का फर्क है। ये जिम्मेदार सरकारें हैं, इसलिए हमारी सरकार से केवल दो मांगे हैं, रिजर्वेशन हमारा वापस करिए और दूसरी बात एक रिजर्वेशन 10% करिए आबादी के अनुसार, और तीसरा ये है कि अगर आप बहुत ही मजबूरी में जिन्हों आपने रिजर्वेशन वापस किया है तो जो दूसरे विभागों में रिजर्वेशन है उनका रिजर्वेशन बढ़ाइए, उधर जो है वो मेकअप करिए। और वहीं दूसरी खबर कानपुर देहात से, जहां पर दबंगों के डर से 25 परिवार के 55 सदस्य के पलायन की खबर न्यूज वर्ल्ड इंडिया पर प्रमुखता से दिखाई गई थी, जिसके बाद पुलिस प्रशासन और प्रशासन ने संयुक्त रूप से तत्काल मामले में संज्ञान भी लिया। बता दें कि प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर पलायन किए गए सभी परिवारों को उनके आशियाने में पहुंचाया और साथ ही प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई करते हुए 6 दबंगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया है। घर में हमारे वापस आ गए हैं, पुलिस की सहायता से हम लोग घर में आ चुके हैं। हमें हमारे यहाँ कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, पुलिस की सहायता से हमें बहुत मदद मिली, पुलिस ने हमारा सब काम देखा और पुलिस ने हमको वापस घर भी भेज दिया। पुलिस ने कितनी मदद करी आपकी? बहुत मदद करी। अब आपको कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है? दबंगों के खिलाफ कोई कार्रवाई हो चुकी है उसके बाद? अब कोई दिक्कत नहीं। मामला ये है कि मतलब ये लोग कहते हैं हमारी जायदाद है, आप घर खाली करो, हम लोग इधर से चले गए, घर खाली, हमारा पूरा परिवार चला गया। हम लोग वहाँ झोपड़ा डाल के बने रहे, और झोपड़ा जैसे हम लोगों ने डाला और आराम से रहे उधर, 2-3 दिन हो गए इन लोगों ने कोई सुनाई नहीं किसी ने की। तो हम लोग आ रहे थे आटा चावल के लिए लेने के लिए, इन लोगों ने फिर भी वहाँ तक पहुँच की कि इसको मारें, और अभी ये लोग धमको नहीं दे रहे कि मारेंगे। ठीक है, आप पुलिस की मदद से तो बना आप अपने घर पे आ चुकी हो, पुलिस ने आपने कितनी मदद की? पुलिस मदद ने? उसने खूब की है, ठीक है, और अभी भी कर रही है, और इधर है पुलिस। लेकिन अब ये बात है कि अभी वो लोग फिर भी पुलिस की जो कार्रवाई उससे आप संतुष्ट हैं? हाँ, संतुष्ट हैं। कोई दिक्कत ना? कोई दिक्कत। अब कोई दबंगों ने कोई दबाव बनाया आपके ऊपर? ना, अभी वो लोग कह रहे हैं फिर भी। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं जब छूट के आएंगे जब देखेंगे इन लोगों को। ये 24 अगस्त की घटना प्राण की है। उस दिन पीईटी की परीक्षा चल रही थी, हम लोग परीक्षा में बैठे, शाम को समय में सूचना प्राप्त हुई कि नायक समाज के ही कुछ लोगों को, नायक समाज के ही लोगों ने उनको घर से उनको निकाला और खेतों में जाके बैठ गए हो। इसके बाद सीओ डेरापुर और एसओ मंगलपुर, पर्याप्त पुलिस बल और राजस्व
स्टाफ के साथ मौके का निरीक्षण किया गया और जांच में ये पाया गया कि हरपाल आदि जो नायक समाज के हैं, हरपाल पुत्र ज्ञान सिंह, इन लोगों का ये कहना था कि हमारे पूर्वजों ने लगभग 40 वर्ष पूर्व साहूकार नायक और पहलवान नायक इन लोगों को अपनी ही निजी ज़मीन में 40 साल पूर्व बसाया गया था, उसी में ये लोग रह रहे थे और नया मामला हैंडपम्प लगाने को लेकर के विवाद था। एक हैंडपम्प आया था, हरपाल कहना था कि हमारे नाम आया था और हमारे ही घर के सामने लगाया जाना था। गांव के अन्य लोगों का और प्रधान जी इन लोगों का और विपक्ष का ये कहना है कि इनके यहाँ जगह पर्याप्त नहीं थी दरवाजे पर, इसलिए ये साहूकार के लड़के नरेंद्र कुमार के घर पर लगाने की बात चली। वहाँ पर प्रधान के द्वारा प्रयास किया गया, जिस पर इन पक्षों में आपस में विवाद हुआ। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।